दोस्तों कैसे हैं आप लोग, उम्मीद करता हूं बहुत ही अच्छे होंगे। तो दोस्तों आज के इस वीडियो में 30 महत्वपूर्ण जीके प्रश्न लेकर आया हूं जो कि हर एग्ज़ाम में पूछा जाता है। अगर आप किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो ये 30 प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण है। अगर आप एग्ज़ाम की तैयारी नहीं कर रहे हैं तो ये आप अपने नॉलेज को बढ़ाने के लिए इस वीडियो को जरूर देखिए। एक बार इस वीडियो को देखिए दोस्तों, अगर प्रश्न महत्वपूर्ण नहीं होंगे तो वीडियो को डिसलाइक कर दीजिएगा। दोस्तों ये सभी 30 प्रश्न मैं चुन कर लाया हूँ, तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों आपका पहला प्रश्न है, देश के राष्ट्रीय पिता कौन कहे जाते हैं? तो दोस्तों इसका सही उत्तर होगा महात्मा गांधी। महात्मा गांधी को देश का राष्ट्रीय पिता कहा जाता है। मानव शरीर का सबसे संवेदनशील अंग कौन सा है? तो दोस्तों इसका सही उत्तर होगा त्वचा। त्वचा। कंप्यूटर का दिमाग किसे माना जाता है? सीपीयू को। याद रखिएगा दोस्तों सीपीयू को। भारत किस महाद्वीप में स्थित है? तो दोस्तों इसका उत्तर है एशिया महाद्वीप में। दोस्तों भारत एशिया महाद्वीप में स्थित है, याद रखिएगा। शहीद दिवस प्रतिवर्ष किस दिन मनाया जाता है? तो दोस्तों इसका उत्तर होगा 30 जनवरी को हम प्रतिवर्ष शहीद दिवस के रूप में मनाते हैं। पृथ्वी पर सबसे लंबी नदी कौन सी है? तो दोस्तों इसका उत्तर है नील नदी। दोस्तों नील नदी पृथ्वी पर सबसे लंबी नदी है। भारत का सबसे छोटा राज्य कौन सा है? तो दोस्तों इसका उत्तर होगा गोवा राज्य। दोस्तों भारत का सबसे छोटा राज्य गोवा राज्य है। पृथ्वी पर सबसे तेज चलने वाली प्राणी कौन सा है? चीता। यानी दोस्तों सबसे तेज दौड़ने वाला प्राणी पृथ्वी पर चीता है। अगला प्रश्न है, किसी आकृति के चारों ओर की कुल दूरी को क्या कहते हैं? तो दोस्तों इसका उत्तर है परिधि। हम इसे परिमाप भी कहते हैं। किसी भी आकृति के चारों ओर की कुल दूरी को हम परिधि या परिमाप कहते हैं। कौन सा रंग शांति का प्रतीक है? तो दोस्तों सफ़ेद रंग शांति का प्रतीक माना जाता है। सफ़ेद रंग। विश्व में सर्वाधिक बोली जाने वाली भाषा कौन सी है? तो दोस्तों इसका सही उत्तर है मांडारीन, जो चीनी भाषा है। अगला प्रश्न है, किस कीट के पंख रंगीन होते हैं? तो दोस्तों तितली के। दोस्तों तितली के पंख रंगीन होते हैं, कलरफुल। अगला प्रश्न है दोस्तों, उत्तराखंड की राजधानी कहाँ है? तो दोस्तों उत्तर होगा देहरादून। उत्तराखंड की राजधानी देहरादून है। किस जानवर को रेगिस्तान का जहाज कहा जाता है? ऊंट को। दोस्तों ऊंट को रेगिस्तान का जहाज कहा जाता है। घेंघा रोग किसकी कमी से होता है? आयोडिन के कमी से दोस्तों घेंघा रोग होता है। किसके कमी से? आयोडिन के कमी से। एक क्रिकेट टीम में कितने खिलाड़ी होते हैं? तो दोस्तों इसका उत्तर है 11 खिलाड़ी। एक क्रिकेट टीम में 11 खिलाड़ी होते हैं। एक लीप वर्ष में कितने दिन होते हैं? 366 दिन। 366 दिन। पेनिसिलिन की खोज किसने की थी? तो दोस्तों इसका उत्तर है अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने। अगला प्रश्न है, नेताजी के नाम से कौन प्रसिद्ध है? तो दोस्तों सुभाष चंद्र बोस। सुभाष चंद्र बोस को हम नेताजी के नाम से भी जानते हैं। विश्व का सबसे बड़ा मरुस्थल है सहारा मरुस्थल। दोस्तों सहारा मरुस्थल। अंडे का आकार कैसा होता है? तो दोस्तों इसका उत्तर है ओवल। ओवल। रोमियो और जूलियट किसने लिखा था? विलियम शेक्सपियर ने। विलियम शेक्सपियर ने रोमियो और जूलियट लिखा था। भारत के राष्ट्रीय ध्वज में कितने रंग हैं? 3 रंग। दोस्तों 3 रंग। गेटवे ऑफ इंडिया कहाँ स्थित है? तो दोस्तों इसका उत्तर है मुंबई में। दोस्तों गेटवे ऑफ इंडिया मुंबई में स्थित है। सूर्य क्या है? तो दोस्तों सूर्य एक तारा है। सूर्य एक तारा है। पृथ्वी के सबसे नज़दीक कौन सा ग्रह है? तो दोस्तों इसका उत्तर है शुक्र। पृथ्वी के सबसे नज़दीक ग्रह शुक्र है। कौन सा अफ्रीकी देश चॉकलेट के लिए प्रसिद्ध है? घाना राष्ट्र। घाना राष्ट्र दोस्तों चॉकलेट के लिए विश्व प्रसिद्ध है। माइक्रोसॉफ्ट के संस्थापक कौन है? तो दोस्तों इसका उत्तर है बिलगेट्स। माइक्रोसॉफ्ट के संस्थापक बिलगेट्स हैं। ब्रोकन विंग पुस्तक के लेखक कौन है? सरोजनी नायडू। सरोजनी नायडू। याद रखिएगा। संयुक्त राष्ट्र दिवस कब मनाया जाता है? 24 अक्टूबर को। 24 अक्टूबर को संयुक्त राष्ट्र दिवस मनाया जाता है। दोस्तों इस वीडियो का लास्ट प्रश्न है, कौन सा पक्षी उड़ नहीं सकता? शुतुरमुर्ग। दोस्तों शुतुरमुर्ग उड़ नहीं सकता। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, अपने दोस्तों के पास शेयर कीजिए, क्योंकि दोस्तों वीडियो बहुत महत्वपूर्ण है और हमारे चैनल पर अनेक महत्वपूर्ण जीएस वीडियो उपलब्ध है। आप जाकर जरूर एक बार देखिए। तो मिलते हैं किसी नए वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।